अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 1 पर अम्बाला में सामान से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक ड्राइवर सहित एक बाइक सवार घायल हो गया और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर थाना पड़ाव के SHO अपने स्टाफ सहित रास्ते को दुरुस्त करने में जुटे और घायल को जिप्सी में बैठाकर सिविल अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर से ट्रक में सामान लेकर जम्मू जा रहे ट्रक का अम्बाला पहुंचते ही शास्त्री कॉलोनी के फ्लाईओवर पर चढ़ते ही ट्रक में खराबी आ गई, जिस कारण वे पलट गया, जिसकी चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया और वे घायल हो गया, जिसे पुलिस ने जिप्सी में अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल पहुंचाया। ट्रक पलटने के कारण ट्रक ड्राइवर बाबू सिंह भी घायल हो गया। ट्रक सड़क पर पलटने के कारण रोड पर जाम लग गया। मौके पर पड़ाव पुलिस ने पहुंचकर रोड को डाइवर्ट कर वाहनों को चलवाया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वे ग्वालियर से सामान लेकर जम्मू जा रहे हैं। अंबाला में ट्रक का पटा टूट गया, जिस कारण ट्रक पलट गया और वे घायल हो गए। थाना पड़ाव के थानाध्यक्ष भूषण कुमार अपने स्टाफ सहित आकर रोड को डाइवर्ट करते देखे गए, जिससे वाहन आने जाने शुरू हुए। रघुराज सिंह कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अरे ग्वालियर से जम्मू जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहे हो? करनाल के गद्दे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो मैंने पटा टूट गया। नुकसान कोई? नुकसान कोई हुआ? हम जा रही थी और कैंट की तरफ जा रही थी, अचानक जो रेलवे क्रॉसिंग पुलिया अपना की तरफ से उसके नीचे अचानक वो मोटरसाइकिल आया, हमने उसको बचाने के लिए किया, तो किसी का नुकसान किसी का चोट कोई अभी तक ऐसी कोई।